डियर स्टूडेंट्स एंड एचआर प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी मुझे मैसेजेस आई हैं व्हाट्सएप पे भी और लिंक्डइन पे भी, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, स्पेशली मेरे यंग स्टूडेंट्स ने कि सर आपने EOBI पे बड़ी डिटेल अप्रोक्सीमेटली 24-25 मिनट की जो है एक वीडियो हमसे शेयर की है और हमें काफी समझ आई है इस चीज की। चाहे कि ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है लेकिन हमें बहुत हेल्पफुल हुआ है। तो काइंडली सोशल सिक्योरिटी को भी डिफाइन कर दें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। नो डाउट हर कंपनी में EOBI और सोशल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज का लेक्चर मैं सोशल सिक्योरिटी के हवाले से आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि EOBI एक फेडरल इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है डायरेक्ट लेवल पे। तो याद रखें जो सोशल सिक्योरिटी है ये जो है एक प्रोविंशियल इदारा है, और अगर इसको मैं स्पेल करूं पैसी, प्रोविंशियल एम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जैसा कि पहला लफ्ज आ रहा है प्रोविंशियल, तो आपने याद रखना है कि जो सोशल सिक्योरिटी है ये हर सूबा या प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इसको खुद से मैनेज करता है। और इसी तरह क्योंकि पाकिस्तान जो है अब इसके अपने लॉज जो है वो लेबर के इन्होंने डिफाइन कर लिए हैं, तो इंडिया में जो लॉ है वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए जो पाकिस्तान के प्रोविंशियल जो भी लॉ है रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी वो एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे शेयर करूं कि जो सोशल सिक्योरिटी है पंजाब में इसको पैसी कहते हैं, बलूचिस्तान में इसको बैसी कहते हैं, सिंध में इसको सैसी कहते हैं, और जो के नया नाम आया है KPK वहां पे इसको KPKSE कहते हैं। तो ये पैसी, सैसी, बैसी, KPK क्या है कि जब हम पंजाब की बात करें तो पंजाब एम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी को पैसी एब्रिविएशन कर लेते हैं, जब हम बैसी कहते हैं तो ये बलूचिस्तान एम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी हो जाता है, इसी तरह जब हम सैसी कहते हैं तो सिंध एम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट हो जाता है, और KPKSE जो है वो KPK एम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के हवाले से है। यानी जहां का सूबा होगा वहां के लॉ होंगे। एक और चीज मैं आपसे शेयर कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो लास्ट जो प्रोविंशियल आप कह लें कि ऑर्डिनेंस बना था जो एम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी का था वो 1965 में बना था, और सेम एप्लीकेबल है पंजाब में, बलूचिस्तान में और KPK में। वाहिद एक प्रोविंस है सिंध का कि जहां पे 2016 में अपडेट किया गया था सोशल सिक्योरिटी एक्ट को। तो याद रखें कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट सिंध में अपडेटेड है और रिमेनिंग जो है वो अभी ऑर्डिनेंस के अंडर ही चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि EOBI प्राइवेट सेक्टर में तमाम एम्प्लाईज पे आएगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो एग्जेक्टिव हो। लेकिन याद रखें जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और क्योंकि मैं अभी ज्यादातर वैसे तो मैं ऑल ओवर पाकिस्तान डील कर रहा हूं हर प्रोविंस को, लेकिन अभी पंजाब की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे, और इसलिए मैं लफ्ज पैसी इस्तेमाल करूंगा, पंजाब एम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसमें याद रखें कि ये पैसी जो होता है ये तमाम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ वर्कर्स के लिए है, और वर्कर को भी अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर,
या जो आपके कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनके पास आप कह लें कि थोड़ी सी हाई पोजीशन होती है, तो वो लोग इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, अब सोशल सिक्योरिटी का क्या बेनिफिट है? तो सोशल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। जब मैं बात कर रहा हूं मेडिकल फैसिलिटी की, तो इसमें वर्कर भी शामिल है और उनकी वाइफ भी शामिल है और उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है कि सर, क्या जैसे ईओबीआई में 1% वर्कर देता है, सॉरी 1% ऑफ मिनिमम वेज दिया जाता है, तो क्या इसमें भी कोई परसेंटेज है? तो जी हाँ, सोशल सिक्योरिटी में भी है। कितनी है? 6%। लेकिन याद रखें कि सोशल सिक्योरिटी में ये टोटल 6% ऑफ मिनिमम वेज, 6% ऑफ मिनिमम वेज ये कौन पे करेगा? ये टोटल 6% एम्प्लॉयर पे करेगा या कंपनी पे करेगी, या इसमें कोई भी वर्कर की शेयरिंग नहीं होगी? ये एक मेजर डिफरेंस है ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी में। अच्छा, अब ये होता है कि जैसा कि हमने कहा कि जी क्या इसकी कोई अपर लिमिट है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये फैसिलिटी सोशल सिक्योरिटी जो है, ये सिर्फ वर्कर के लिए है, तो वर्कर्स तो काफी सैलरी के होंगे और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, मैंने लास्ट एक दो लेक्चर्स में आपको बताया था कि आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप मिनिमम वेज बोर्ड जो है वहां जाएं, अपनी इंडस्ट्री की लिस्ट निकलवा लें, उसमें तमाम वर्कर, उनके डेजिग्नेशन और उनकी सैलरीज भी मिल जाएंगी। तो लेकिन जब हम सोशल सिक्योरिटी और पैसे की बात कर रही हैं, तो इसमें अपर लिमिट डिफाइन है। इसको मैं एक मिसाल से बताता हूं कि फर्ज करें एक कंपनी है, वहां पे कुछ ऐसे वर्कर हैं जो कि 35,000 तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं जा रही। मगर ऐसे वर्कर भी हैं जो कि 25,000 तनख्वाह ले रही हैं और उनकी सोशल सिक्योरिटी जा रही है। तो सर, ये क्या कंफ्यूजन है? ये क्या लॉ है? ये क्यों ऐसे हो रहा है? याद रखें, सोशल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपर लिमिट दी हुई है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि मिनिमम वेज जो है वो 25,000 है। मिनिमम वेज वैसे पाकिस्तान में अभी तक 25,000 ही है, सिर्फ आईसीटी या फिर जो आप कहते हैं कि जो इदारा आता है इस्लामाबाद या सराउंडिंग का जो एरिया है, वहां पे अभी मिनिमम वेज 32,000 हुई है। प्रोविंसेस में अभी लेटर इशू होने हैं मिनिमम वेज के। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो कि मिनिमम वेज जो 25,000 है और अपर लिमिट एग्जाम्पल दे रहा हूं 30,000, तो जितने वर्कर इस लिमिट्स में आएंगे उन सब की सोशल सिक्योरिटी पे की जाएगी, लेकिन जो इससे ऊपर के होंगे वो इसमें कंसिडर नहीं होंगे। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जो भी मिनिमम वेज का है वो 6% कंपनी पे करेगी। मैं कैलकुलेशन एक दफा फिर आपको कर देता हूं। मिनिमम वेज इस वक्त चल रही है 25,000, मैं पंजाब प्रोविंस की बात कर रहा हूं, इनटू 6%, तो टोटल अमाउंट आती है, अगर आप खुद भी करेंगे तो देखेंगे, 1,500। लेकिन ये हर माह कौन पे करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपकी कंपनी पे करेगी। इसमें कोई भी वर्कर 1% वगैरह नहीं देगा। यही डिफरेंस है ईओबीआई और पैसी में। तो ये चीज क्लियर है, 6% ऑफ मिनिमम वेज बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, ये क्या बेनिफिट है और क्यों दिया जाता है? तो ये एक लीगल बेनिफिट है।
लीगल बेनिफिट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमारी जो लेबर क्लास है या मजदूर तबका है और उसकी एक सर्टन रेंज के लोग हैं, उनको ये फैसिलिटी दिए ऑफर की हुई है ताकि वो गरीब लोग अच्छे तरीके से अपना इलाज मुआवजा करवा सके और इसके अलावा जो उनकी जो फैमिली है वहां पे भी ये फैसिलिटी हो सके। इसके लिए याद रखें कि हर प्रोविंस ने अपने सूबे में मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। जैसे ही मैं पंजाब की बात करूंगा पैसी, और अगर मैं लाहौर की बात करूं तो आपको लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज में सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स मिलेंगे। इन हॉस्पिटल में जो भी वर्कर जिनका के सोशल सिक्योरिटी कार्ड कंपनी ने बना के दिया हुआ है वो वहां जाके ये कार्ड दिखाते हैं और उनका फ्री ऑफ सर्विसेज या कह ले एनी कॉस्ट के बगैर उस एम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी कार्ड की बेस पे इलाज किया जाता है। अल्लाह माफ करे, मेरी माशाल्लाह 20 प्लस ईयर सर्विसेज है और मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल में, पब्लिक लिमिटेड में और प्राइवेट लिमिटेड में काम किया, तो मुझे याद पड़ता है कि कई दफा हर्ट के केसेस आए, कई दफा बड़े सीवियर केसेस आए और अक्सर वर्कर्स की जब वाइफ वगैरह की डिलीवरी होती थी तो मैटरनिटी के केसेस आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सोशल सिक्योरिटी के जहां भी हम रजिस्टर थे और उनसे जो है वो एक अच्छा लाइजोन रखा हुआ था जिसकी बेस पे हमने फ्री ऑफ एनी कॉस्ट कह लीजिए कि उन लोगों को ये बेनिफिट्स लेकर दिए। अच्छा जी, एक और चीज है कि क्या कोई सोशल सिक्योरिटी में एक दफा रजिस्टर हो जाए? ये क्वेश्चन अगेन मुझसे बड़े लोगों ने पूछा है और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। तो क्या वो हमेशा सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट ले सकता है? मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं कि लेट्स सपोज मैं वर्कर हूं और मैं एक कंपनी में एज ए वर्कर गया और मेरी लिमिट उस रेंज में थी कि जिसमें मुझे सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटी मिल सकती थी, कंपनी ने मुझे रजिस्टर करवा दिया, तो अब क्या मुझे उससे निकाला जा सकता है? वैसे कहा यह जाता है कि वंस आप सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर हो जाएं तो फिर क्या होता है कि आप हमेशा के लिए उसमें रजिस्टर रहते हैं और वहां से बेनिफिट्स को विड्रॉ कर सकते हैं, फैसिलिटीज को ले सकते हैं। तो मैं यही तक रखूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर अगर एक वर्कर आया और वो तरक्की करता करता है उसी कंपनी में 20 साल बाद जनरल मैनेजर बन गया तो वो अभी भी से सोशल सिक्योरिटी ले रहा है, तो वो ले सकता है, लेकिन क्या उसकी सोशल सिक्योरिटी कैंसिल हो सकती है? जी हां, हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा। इसलिए कि एक एम्प्लाई को जब बेनिफिट मिल रहा है और उसने वहां से तरक्की की है तो हम उसको क्यों खत्म करें? और कंपनी भी नहीं चाहेगी कि ठीक है यार इसका बेनिफिट जरूर इसे लेना चाहिए। तो ये याद रखें कि वंस यू आर इन सोशल सिक्योरिटी यू रिमेन इन सोशल सिक्योरिटी। अच्छा जी, क्या सोशल सिक्योरिटी ने कोई अपना पोर्टल डेवलप किया है? तो जी हां, जिस तरह ईओबीआई ने अपना पोर्टल डेवलप किया है, ऑटोमेशन की है, इसी तरह सोशल सिक्योरिटी वालों ने भी अपना एक जो कह लें पोर्टल बना लिया है और उसमें भी डाटा जो है वो फीड इन किया जाता है, पासवर्ड होता है और उसके हवाले से जो लोग हैं वो उसको करते हैं। इसी तरह सवाल ये कहा जाता है कि सर सोशल सिक्योरिटी की अमाउंट कब तक जमा करवाई जा सकती है? तो याद रखें जैसे ही मंथ क्लोज हो तो उस मंथ के क्लोज होने के 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज आप ये कर सकती हैं। लेकिन आइडियली मैं आपको कहूंगा कि जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा है कि अप टिल 10th ऑफ एवरी मंथ आप हर एक को पे दे दें,
वर्कर की बात कर रहा हूं, तो उस सूरत में आप ये करें कि 10 तक कोशिश करके आप उनका जनरेट करें पोर्टल से और उनकी पेमेंट जमा करा दें, डिले ना करें। हाँ, बात सूरत में कोई बड़ा सीवियर केस है या आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी किसी पॉइंट को कंसिडर करता है, उस सूरत में थोड़ी सी डिले होती है, लेकिन किसी को मौका ना दें और विद इन लिमिट्स जो है ये डिफाइन कर दें। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी का एक और एडिशनल बेनिफिट जो है वो एजुकेशन है। मैट्रिक तक आप अगर सोशल सिक्योरिटी के मेंबर हैं, सोशल सिक्योरिटी का कार्ड आपको कंपनी ने दे दिया हुआ है, तो मैट्रिक तक आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है सोशल सिक्योरिटी ने जो है वो मुख्तलिफ जगह पे अपने स्कूल बनाए हुए हैं जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी के हवाले से था। आई एम श्योर कि ये इंफॉर्मेशन बड़ी हेल्पफुल होगी आपको, और जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये प्रोविंशियल इदारा है, याद रखिएगा, डिटेल में जाना चाहें तो अब तो ये बड़े पोर्टल बन गए हैं, वहाँ पे इजीली सब चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है, आप सब कुछ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, और फिर उसके बाद जो है ये केसेस भी जो है वो बड़े आसान हो जाते हैं। नॉर्मली मेरी आदत रही है कि हर कंपनी में मैं अपने आईआर मैनेजर को, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर को जो है वो ये ड्यूटीज असाइन कर देता हूँ, क्योंकि याद रखें आईआर मैनेजर लेबर लॉ में भी माशाल्लाह प्रोफेशनल होते हैं और मोस्टली ज्यादातर वो एलएलबी होते हैं, तो वो ये निटी ग्रिटीज पॉइंट्स को समझ लेते हैं, बाकी वो जो डाटा फीड इन करना या बाकी चीजें हैं वो तो हम उनको बताते रहते हैं। मेरे मैनेजर हैं एक जो इस चीज को डील कर रहे होते हैं और वो है, लेकिन मैंने बेसिक्स नॉलेज आपसे शेयर कर दी है। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हुआ आप मुझसे पूछ सकती हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों को इसके बारे में बताएं कि जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन दोनों इदारों के बारे में और अभी तक हमारे एचआर प्रोफेशनल ने इसको फोकस नहीं किया, वो यही कहते हैं कि यार ये तो लॉयर्स का काम है, एलएलबी के लोग हैं या आईआर के लोग हैं, हम इसको क्या करें। लेकिन याद रखें जब आपने ओवरऑल एचआर को देखना है तो आपको नो हाउ होनी चाहिए, आपको इनकी समझ होनी चाहिए, बिकॉज ये वो क्लास है, वर्किंग क्लास है। अगर ये सेटिस्फाई होंगे, अगर इनको ये आप अंडरस्टैंडिंग या बात तरीके से समझाएंगे तो आपके लिए जॉब आसान हो जाएगी। मेरे वो भाई, मेरे वो कलीग जो कि अपनी कंपनियों में सीबीए को डील करते हैं, तो देखें ये भी काम जो है वो हेड एचआर का ही होता है या डायरेक्टर एचआर का होता है या जनरल मैनेजर एचआर का होता है या एचआर मैनेजर का होता है। तो जब वो ये हार्ड साइड ऑफ आईआर को नहीं समझेगा, अंडरस्टैंड नहीं कराएगा, उनको बताएगा नहीं, तो कैसे ये हल होगा। जैसे सोशल सिक्योरिटी में फॉर्म होता है M1 M2 बाकी चीजें, अब अगर आप इन चीजों को, मैंने कुछ नहीं बताया लेकिन आप ये जब जाएंगे इस लॉ को पढ़ेंगे, M1 को पूछेंगे, M2 को पूछेंगे, रीइंबर्समेंट कैसे हो सकती है। खुदा ना खास्ता एक वर्कर ऐसा है कि जिसको सोशल सिक्योरिटी में सॉरी वो फैसिलिटी नहीं है, तो हम उसको प्राइवेट से करवा के दे सकते हैं, बाद में रीइंबर्स हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता होगा वर्कर आपके पास आएगा, आप उसको तसल्ली देंगे, समझाएंगे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और चीजें बेहतर भी होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े पेशेंस से ये सुना और बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम।